नमस्कार, कानूनी हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। खुद के घर का सपना हर कोई देखता है। घर के लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई लगा देता है। ऐसे में अगर वो छला जाता है तो उससे जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का उसे लगता है और वो अपने आप को तबाह हुआ समझने लगता है। इसके लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है वो है बिल्डर, क्योंकि बिल्डर कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से वो अपने आप को ऐसा समझा जाता है, उस खुद को समझने लगता है कि उसके साथ छल हुआ है। लेकिन अब केंद्र सरकार की रेरा ने मुश्किलें आसान कर दी हैं। रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा केंद्र के रियल इस्टेट कारोबार में ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता लाने के लिए ही सकारात्मक कदम है, जिससे खरीदार बिल्डर्स की मनमानी से बच सकेंगे। हालांकि इसमें चुनौतियां भी बहुत हैं और आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं लीगल एक्सपर्ट और हाई कोर्ट के वकील आनंद प्रकाश दुबे जी। आनंद जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार जी। और थोड़ी देर के बाद हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब प्रकाश जी देंगे। तो 1 मई 2017 से लागू हुआ रेरा खरीदारों और बिल्डरों के बीच की खींचतान कम करेगा। बिल्डर मकान बेचते समय खरीदार को इतनी खूबियां गिनाता है कि वो स्वर्ग लगने लगता, लेकिन बाद में मुकर भी जाता है। आइए जानते हैं कि खरीदारों के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं और रेरा में उसका किस तरह से समाधान निकाला जा सकता है। अगर कई तरह की चुनौतियों की बात करें, अगर खरीदारों की चुनौतियों की बात करें, तो सही कारपेट एरिया बताकर बिल्डर फ्लैट नहीं बेचता, बताता कुछ है और कहता कुछ है। सही कारपेट एरिया बताकर बिल्डर फ्लैट को नहीं बेचता। कारपेट एरिया बिल्डर के बताए क्षेत्रफल से काफी कम होता है। प्रोजेक्ट में देरी पर खुद बिल्डर कम दर पर पेनाल्टी देता है, यानी खुद तय कर लेता है कितना देना। खरीदार की ओर से भुगतान में देरी पर बिल्डर 18-24% तक की वसूली करता है। प्रोजेक्ट के बीच में ही अक्सर बिल्डर लेआउट में बदलाव कर लेता बिना मंजूरी। प्रोजेक्ट का विस्तृत ब्यौरा जैसे मुकदमेबाजी, सरकार से मंजूरी जैसी बातों का पता नहीं होता। खरीदार से पैसा लेकर बिल्डर कई बार दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देता है। खरीदारों के पास कितनी चुनौतियां हैं। निर्माण में खामियां मिलने पर बिल्डर बिल्कुल नहीं सुनता, वो आपसे मिलना भी नहीं चाहता। इस वक्त लाखों ऐसे खरीदार हैं जिन्हें 7-8 साल से फ्लैट नहीं मिले। सही कारपेट एरिया बताकर बिल्डर फ्लैट नहीं बेचता, वही बात एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्डर कहता कुछ और है, आपको देता कुछ और है। प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, इस पर आप सवाल भी नहीं पूछ सकते। और यदि आप मिलना भी चाहें, अगर बिल्डर बहुत बड़ा है तो मिलना चाहें, तो मिलने के लिए भी आपको कम से कम 4-5 साल लग जाएंगे, वो आपके सामने कभी आएगा ही नहीं। लेकिन जब फ्लैट बेचने की बारी आती है, फ्लैट को देना होता है, उस वक्त वो आपके पीछे ऐसे पड़ता है जैसे आपको लेना ही है फ्लैट। लेकिन फ्लैट में तमाम तरह की खामियां अगर आप गिनाने लगे उसके सामने तो भाग खड़ा होता है। लेकिन अब रेरा सामने आ चुका है। रेरा आपकी सभी तरह की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, ऐसा कहना है केंद्र सरकार का। इस तरह के दावे केंद्र सरकार रेरा के जरिए कर रही है, लेकिन देखना होगा एक वक्त के बाद कि रेरा कितना सफल हो पाता है। और इस वक्त हाईकोर्ट के जाने माने वकील आनंद प्रकाश जी हमारे साथ हैं। आनंद जी, एक बात हम पूछना चाहेंगे जी। ठीक है, बिल्डर और खरीदार दोनों के बीच का एक जो रिलेशन होता है, लीगल टर्म के हिसाब से हम बात करेंगे जी, जो रिलेशन होता है पूरी तरह से एग्रीमेंट के आधार पर होता है। लेकिन अक्सर देखा गया है, जब से रियल इस्टेट का बिजनेस बढ़ा है, अक्सर देखा गया है कि बिल्डर इस समझौते का हमेशा से उल्लंघन करते रहे हैं और जो खरीदार हैं बेचारा वो छला हुआ महसूस करने लगा है। रेरा के आने के बाद स्थितियां कितनी बदलेंगी? सर, रेरा को देखिए, केंद्र सरकार ने रेरा को नोटिफाई कर दिया है। अब इस पे कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्यों की आ गई है। रेरा के आने के बाद निश्चित तौर पे इसमें स्थितियां बदलेंगी, क्योंकि इसमें बिल्डर्स, एजेंट और बायर तीनों की जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी गई हैं। और बिल्डर को मतलब जो झूठ बोल करके, जो सपने दिखा करके प्रोजेक्ट बेचता था बिल्डर, अब वो मनमानी बिल्डर की खत्म हो जाएगी। कैसे कैसे खत्म होगी? हम कई चीज दिखा भी रहे हैं दर्शक को, लेकिन इसमें अलग चीजें क्या है आपके पास? और इस जो चीजें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या ये पर्याप्त है? इतना करने के बाद किसी को उसका समाधान मिल जाएगा या फिर और भी कुछ लीगल टर्म के हिसाब से करने की जरूरत है? अगर वो छला महसूस करता है तो आपके हिसाब से क्या लगता है? नहीं, देखिए कि खरीदार के पास रेरा में बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस दिए गए हैं और उसकी लगभग सारी समस्याओं का समाधान दिया गया है। उदाहरण के तौर पे देखिए कि जैसे खरीदार
खरीदता था, पैसे दे दिया और बिल्डर वो पैसे अपने कहीं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगा देता था और फंड की कमी की वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाते थे। लेकिन रेरा में कहा गया कि जी 70% पैसा जो खरीदारों से लिया गया है एक अलग अकाउंट में रखा जाएगा और उस पैसे का उपयोग फेज वाइज किया जाएगा कि एक स्लैब पड़ने पे कितना पैसा निकाल सकता है, दो फेज पड़ने पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, सीवर के लिए, तो वो सारी चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं कि ये बिल्डर की मनमानी है, बिल्डर अपने मन से निकाल ले, इसके लिए उसके इंजीनियर, आर्किटेक्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक सर्टिफिकेट देना होगा और सर्टिफिकेट के लिए वो भी जिम्मेदार होंगे, तब बैंक उसको पैसा रिलीज करेगा। तो अब बिल्डर ये कि प्रोजेक्ट लॉन्च करके और पैसा ले करके कहीं और लगाने से बच जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अक्सर हम देखते थे कि बिल्डर जो है कि अगर खरीदार का पेमेंट में देरी होती है तो बिल्डर उससे 12% से 18% तक पेनल्टी चार्ज लेता था। लेकिन अगर बिल्डर पोजीशन देने में देर आता होता है तो वो कहता था कि मैं 5 रुपये पर स्क्वायर फीट दूंगा। लेकिन रेरा में उसका समाधान दिया गया, उसने कहा, उस रेरा में ये प्रावधान किया गया है कि जिस परसेंट से बिल्डर पेनल्टी लेगा उसी परसेंट से उसे रिटर्न भी देना होगा। तो इस तरह की तमाम सुविधाएं दी गई हैं, तमाम कानून बनाए गए हैं, सेक्शन ऐसे लाए गए हैं कि जो कहीं ना कहीं खरीदारों को फायदा पहुंचाएंगे। बिल्कुल, मैं थोड़ी देर के बाद एक सवाल, बहुत जरूरी सवाल आपसे पूछूंगा कि किसके ऊपर लागू होता है रेरा और किस तारीख से इसे लागू किया गया है। उससे पहले जो प्रोजेक्ट चल रहे थे जहां पर लोग चले गए उनके साथ क्या होगा, इस सवाल को हम थोड़ी देर के बाद पूछेंगे। लेकिन एक दर्शक से पहले बात कर लेते हैं, विक्रम जी इस वक्त हमारे साथ हैं। विक्रम, क्या पूछना चाहते हैं आप, क्या सवाल है आपका? हेलो जी। हेलो सर, नमस्कार, विक्रम बोल रहा था मैं। जी जी विक्रम जी। सर बोलिए अपनी। हेलो, आपकी आवाज आ रही है विक्रम जी, आप सवाल पूछ लें, क्या पूछना चाहते हैं? वकील साहब आपके सामने बैठे हैं। सर मैं ये पूछ रहा था, मेरी लैंड है अभी 6 एकड़ जमीन थी। सर मेरा सवाल, टेलीविजन की आवाज को कम कर दें आप विक्रम जी। हाँ टेलीविजन है ना, इसके बाद सवाल पूछें यदि आप सही मायने में चाहते हैं कि। जी पूछें। सर मेरी लैंड है 6 एकड़ जमीन, गुड़गांव में लगती है जी। हाँ टीवी की आवाज कम कर दी। हेलो, कृपया करके आप जल्दी सवाल पूछ लें विक्रम जी, समय की बर्बादी होती है, आपके पीछे कई दर्शक पूछना चाहते हैं ना। हाँ जी हाँ, तो इस बात को समझें आप, जल्दी सवाल पूछें आप। सर मैं ये पूछ रहा था, मैंने कोलैबोरेशन कर रखा है किसी बिल्डर से, 10 साल हो गया, उन्होंने कोई भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, क्या करना चाहिए? आनंद जी। विक्रम जी देखिए, रेरा में आपके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, आप इसके लिए सिविल कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, जो आपका जिला न्यायालय है गुड़गांव में, आप वहां पे आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। अच्छा, मैं यही पूछना भी चाह रहा था जो विक्रम जी पूछना चाह रहे थे कि रेरा में किस तरह के प्रोविजंस हैं, क्या जो 10 साल पहले चले गए, 15 साल पहले चले गए, 5 साल पहले चले गए, या फिर जो अब चले जाएंगे बिल्डर के जरिए उन्हें रेरा में शामिल किया गया, फिर सभी लोगों को एक साथ शामिल कर दिया गया, थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई करें इसको। नहीं देखिए, रेरा में जो प्रावधान किया गया है कि जो प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं है या जिस, वो सारे रेरा के अंतर्गत आएंगे। अब कौन कौन से आएंगे, इसमें बड़ा स्पेसिफिक प्रोविजन किया गया है कि जिसमें, जिस प्रोजेक्ट में 60% की फ्लैट्स की रजिस्ट्री कर दी गई है खरीदारों के पक्ष में, वो रेरा में नहीं आएगा। 60% क्या? 60% फ्लैटों की, जैसे 100 फ्लैट बना रहा है, हाँ। बिल्डर ने 100 फ्लैट बनाया है, हाँ, और उसमें 60 फ्लैट की रजिस्ट्री दे दी गई है एलॉटीज को। अच्छा। वो रेरा के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है। जो प्रोजेक्ट जो है RWA को सौंप दिया गया है वो रेरा के अंतर्गत नहीं आएगा, और जो प्रोजेक्ट जो सिविल अथॉरिटीज को सौंप दिया गया है वो रेरा के अंतर्गत नहीं आएगा। चलिए, मतलब बहुत ही अहम बात है। कुंदन इस वक्त है नोएडा से, कुंदन क्या पूछना चाहते हैं, सवाल पूछें जल्दी से। हाँ आनंद जी से मेरा एक सवाल, अभी मैं सुन रहा था, जैसे कि इन्होंने बताया कि जिस रेट से बिल्डर चार्ज करता है हमारा इंटरेस्ट, उसी रेट से वो वापस भी देगा अगर वो डिले करेगा, तो मेरा क्वेश्चन है, जैसे मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है पेंडिंग है 1-1.5 साल से जी, तो क्या उस केस में क्या होगा, और मुझे पोजेशन अभी तक नहीं मिला है जबकि June 2016 में पोजेशन देना था और अभी तक उन्होंने दिया नहीं है, तो उस केस में कैसे क्या होगा फिर, क्या लग रहा है? देखिए, अगर आपके प्रोजेक्ट में, मैं पूरे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, अगर 60% लोगों को पोजीशन नहीं मिला है तो आपका प्रोजेक्ट रेरा के अंतर्गत आएगा। आपका अच्छा। हाँ, आपका प्रोजेक्ट कहाँ, किस प्रदेश में है आपका प्रदेश? ये बात नहीं, मेरा नोएडा एक्सटेंशन में है, आम्रपाली ड्रीम वैली में। हाँ आम्रपाली में है। देखिए, उत्तर प्रदेश में रेरा के नोटिफाई कर दिया, रूल्स जो हैं ये राज्य सरकार ने नोटिफाई कर दी है, लेकिन इसके लिए अभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की नहीं बनाई गई है,
मतलब अध्यक्ष कौन है या मेंबर्स कौन है, ये अथॉरिटी का गठन नहीं हुआ है। इसके गठन होने के बाद निश्चित तौर पे आप उसमें अपना आवेदन दे सकते हैं और आपको वहाँ से राहत मिलेगी। चलिए, तो कुंदन जी से बातचीत हो गई। तमाम दर्शक जो इस वक्त कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने सवाल पूछें और जानने की कोशिश करें कि रेरा आ चुका है तो आपकी, आप अगर किसी तरह से छले हुए हैं या छले जाने जैसा आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, तो क्या रेरा में आपके लिए समाधान है। अगले जो दर्शक हैं इस वक्त, जिरमल जी इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली से, क्या क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है, मैं 2009 में गुड़गांव के सेक्टर 70 अल्फा में पाल ग्रुप का एक बुकिंग कराया था सर। हेलो जी, जी जी जिरमल जी बोलते रहे, आपकी आवाज आ रही है यहाँ तक। हाँ, गुड़गांव 70 अल्फा में पाल ग्रुप से एक फ्लैट बुक कराया था सर 2009 में। एटलीस्ट मैंने 50% अमाउंट पे कर दिया था बिल्डर को, ठीक है। फिर 2010-12 में उन्होंने थोड़ा कंस्ट्रक्शन किया, बस उसका लाइसेंस जो है एक्सपायर्ड हो गया सर, हुडा से, गुड़गांव से, जो हुडा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से उसका लाइसेंस खत्म हो गया। अभी वो बिल्डर्स के ऊपर कुछ लोगों ने तो केस कर दिया है, कुछ लोगों ने जो है, हम लोग जैसे क्या है कि आर्मी बैकग्राउंड से हमने अपना पूरा प्रोविडेंट फंड निकाल के इसमें पूरा पैसा इन्वेस्ट लगाया था कि अपना एक घर होगा आफ्टर रिटायरमेंट के बाद, तो अभी वो बिल्डर्स मिल ही नहीं रहा, अपना ऑफिस भी क्लोज कर दिया, अभी हम लोगों को उसमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए वाकई में, मतलब बहुत सही ढंग से बताइए इनकी, कहाँ जाए, क्या करें? देखिए, इसमें अगर वो बिल्डर भाग गया है, एब्सकांड कर गया है, तो रेरा में आपकी समस्या का समाधान है। इसके अलावा आप एक क्रिमिनल कोर्ट में पुलिस को भी कंप्लेन दे सकते हैं, क्योंकि ये चीटिंग और फ्रॉड का भी केस है आपके साथ। तो रेरा में तो निश्चित तौर पे आप एप्लीकेशन दे दिएगा जब अथॉरिटी का गठन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक पुलिस कंप्लेन भी करिए उसके खिलाफ। अगले दर्शक हैं, शिवम है, यूपी से हैं। शिवम, क्या है आपका सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी शिवम। हेलो, आपकी आवाज आ रही है शिवम जी। हेलो हेलो, लगता है हम लोग की आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। दर्शक का बने रहें और अपने सवाल आप पूछें, लेकिन थोड़ा सा एक छोटा हम सवाल पूछना चाहते हैं कि रेरा में जो उसकी रेरा के जो प्रोविजंस लिखे गए हैं, हजारों पेजेस में लिखे गए हैं, उसको समझना थोड़ा आसान भी नहीं है, लेकिन बहुत अगर कॉन्क्रीट में अगर कई चीज़ें हम जानने की कोशिश करें तो सबसे खास बातें इसमें आपको क्या नज़र आती हैं, सबसे खास बातें जो हर लोगों को जानना चाहिए? देखिए, रेरा में मैंने कहा कि सबसे एक तो हजारों एक एक दर्शक हैं, पहले उनसे बात कर ले। महेश हैं बनारस से, महेश पूछिए सवाल अपना। हाँ सर, ये कह रहे हैं कि हमने बिल्डर को अपना प्लाट दिया है बनाने के लिए जमीन, और 60-40 के रेशियो से दिया है, और 2.5 साल का एग्रीमेंट है हमारा जी। हेलो, सुन रहे हैं महेश। ये 2.5 साल में हमें पोजीशन नहीं देते हैं तो ये रेरा कानून में हम इनसे कुछ कर सकते हैं? एरिया कितनी है जमीन, जगह की एरिया कितनी है, एरिया कितनी है, क्षेत्रफल कितना, जिस भूमि पे निर्माण होना है? लगभग 3 बिस्सा है। 3 बिस्सा, थोड़ा सा देखिए मैं बता दूं आपको कि, और फ्लैट कितने बनने हैं? फ्लैट 12 बनने हैं। देखिए रेरा में है क्या, 500 स्क्वायर मीटर से अगर कम की जगह है तो रेरा लागू नहीं होता है। दूसरी चीज है, 8 फ्लैट तक जो बनने हैं उसमें रेरा लागू नहीं होता है। और आपका क्या है कि आपको एक कोलेबरेशन एग्रीमेंट है, ये इंडिविजुअल के पास नहीं जाना है, तो आपको इसमें रेरा के तहत आपका केस नहीं आएगा। अगले दर्शक विनोद हैं दिल्ली से। विनोद पूछें सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर। सर मैंने ना गुलमोर, इसमें जो गाजियाबाद में गुलमोर एक कंपनी है, उसमें एक फ्लैट बुक किया था सर जी, 2 BHK जी 2012 में, और मिलना था मुझे वो मार्च 2015 में। क्या सर ये रेरा के अंदर आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। उसमें अभी क्या प्रोजेक्ट की पोजीशन क्या है? अभी सर वे कह रहे दिवाली में देंगे हम। नहीं नहीं, अभी एक भी टावर कुछ भी खड़ा नहीं किया है उन्होंने। हाँ नहीं, टावर तो तीनों खड़े हो गए हैं, चारों नहीं, किसी का पोजीशन किसी का नहीं मिला है। और 2 दे रहे हैं और 3 और 4 दिवाली में देंगे। नहीं नहीं, किसी को पोजीशन मिला है? किसी को नहीं मिला सर। नहीं, बिल्कुल रेरा में, बिल्कुल रेरा के अंतर्गत आएगा आपका केस। मतलब थोड़ा समझाएं कैसे आएगा, देखिए क्यों आएगा। देखिए मैंने कहा ना कि जिस प्रोजेक्ट में जो पहले से रेरा 1 मई 2017 से लागू हुआ है,
और जो प्रोजेक्ट में 60% की, जैसे कुछ बिल्डर्स ने क्या किया, जब रेरा की बात शुरू हुई तो उन्होंने बड़ी जल्दबाजी करके 20 टावर थे, 20 टावर में से उन्होंने 10 लॉन्च कर दिए आधे अधूरे कंस्ट्रक्शन करके, इसीलिए कि वो 60% लोगों के फेवर में सेल डीड करा दें। तो जब सेल डीड हो गई 60% लोगों में, तो वो रेरा से बाहर हो गए। अच्छा, जैसा कि हमारे दर्शक ने बताया कि उनमें चलाकी है बिल्कुल है। तो जैसा हमारे दर्शक ने बताया कि इनमें किसी को भी पोजीशन नहीं दिया गया है, टावर्स खड़े हैं, तो इनका प्रोजेक्ट बिल्कुल रेरा के अंतर्गत आएगा। चलिए, बहुत ही मुझे लग रहा है कि सही ढंग से आप तक इसका आंसर पहुंच चुका है। राधा कृष्ण जी अगले दर्शक हैं, क्या 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 पूछना चाहते हैं आप राधा जी? आपकी आवाज बहुत ही धीरे आ रही है राधा जी। आप एक काम करें, मोबाइल को थोड़ा और नजदीक लाएं अपने मुंह के पास, अच्छे सवाल पूछें। समझ में नहीं आ रही। चलिए, थोड़ी देर के बाद बात करते हैं आपसे राधा जी, थोड़ी देर के बाद आपसे बातचीत करते हैं, क्योंकि सवाल आपका समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत जो मैं समझ पाया उनकी बात, कि लोग परेशान इस बात से होते हैं कि फ्लैट तो ले लिया उन्होंने जी, और फ्लैट लेने के बाद लाख, दो लाख, दस लाख, बीस लाख दे भी देते हैं जी। इसके बाद उनका एक इंस्टॉलमेंट चलना शुरू हो जाता है एक सर्टेन टाइम के बाद जी। और कभी कभी आजकल क्या होता है कि आप पोजीशन सही टाइम पे आप बिल्डर अगर नहीं दिया, तो फिर बिल्डर की तरफ से इंटरेस्ट भी भरना होता है, उतना पैसा देना होता है। बिल्कुल। लेकिन आजकल वो कई बिल्डर्स ऐसे हैं जो चेक तो ले लेते लेकिन दोबारा वो चेक देने में बहुत झंझट करते हैं। मतलब एक महीने के चेक को 3 महीने के बाद देते हैं, 4 महीने के बाद देते हैं, जबकि आपका पर मंथ आपकी सैलरी से, आपके अकाउंट से वो बैंक का लोन कटता जाता है। नहीं, इसको थोड़ा समझाएं। देखिए रेरा में, मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसा हो रहा है और मतलब ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ बिल्डर्स ये काम कर रहे हैं। देखिए रेरा में इसका बड़ा स्पेसिफिक प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई बिल्डर इस तरह की हरकत करता है तो रेरा में, देखिए रेरा एक पहला एक्ट इस तरह से आया है कि बिल्डर्स को लेकर के, कि जिसमें इनको पेनल्टी भी है और सजा भी है। रेरा के केस में अगर कोई बिल्डर डिफॉल्ट पे पाया जाता है तो उसको 3 साल तक की सजा का भी प्रावधान किया गया है। और जो चेक वाली बात आप कर रहे हैं कि इस तरह से अगर कोई बिल्डर करता है तो जो एलॉटी है, जो खरीदार है, उसको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। तो उसका जो मुआवजा का वो मिलेगा उसको, जो उसके अपने इंस्टॉलमेंट का नुकसान हो रहा है, खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल है, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल जा सकता है। अगले दर्शक किस वक्त हमारे साथ हैं, इलाहाबाद से अगले दर्शक हैं, राशिद हमारे साथ है। राशिद, क्या सवाल है आपका? जी गौरी शंकर जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार राशिद जी। जी मेरा सवाल है वकील साहब से कि मैंने 2010 में इलाहाबाद में जमीन लिया था जी। जी मेरा सवाल ये है, टेलीविजन की आवाज को कम कर दे राशिद जी, टेलीविजन की आवाज को कम करके सवाल पूछ रहा था। उसमें अभी कुछ माफिया ने और तहसीलदार और लेखपाल ने मिलकर उसमें फ्रॉड कराया है कि फर्जी रजिस्ट्री करा दिया 3 महीना पहले। सवाल पूरा नहीं हुआ राशिद जी का। चलिए राशिद जी, वैसे भी आपका ये रेरा का केस नहीं है, ये एक क्रिमिनल केस है, तो आप संबंधित जो थाना है आपका या जहां जमीन पड़ती है उस थाना क्षेत्र में आप थाना अध्यक्ष को उसके लिए आवेदन दे सकते हैं। रेरा के तहत ही मामला, रेरा के तहत ही मामला, एक्चुअली चीटिंग, कंप्लीट चीटिंग का, कंप्लीट चीटिंग का मामला है। और रेरा इसको समझना बहुत आसान है, इसलिए हम लोगों की कोशिश हुई है कि कम शब्दों में रेरा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही बात में पूछना भी चाहता था आपसे कि अगर कोई मामला रेरा में आता है जी, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ठीक है, मुझे समझ में आ गई बात कि हमारे, मेरे साथ जो दिक्कत हो रही है वो रेरा के तहत मामला आता है जी। हम किस तरह से रेरा में जाकर शिकायत करेंगे और कितना टाइम फ्रेम वर्क कितना रखा गया है रेरा के अंतर्गत, कितने दिनों में समाधान मिलेगा? क्योंकि केसेस तो चलते रहते हैं सर, 2 साल, 3 साल, नहीं, 4 साल। रेरा में बिल्कुल 60 दिन का एक टाइम फ्रेम डिसाइड किया गया है कि जो भी आवेदन आएगा वो 60 दिन के अंदर उसका निर्धारण करना ही करना है। तो अगर नहीं कर पाती है जो अथॉरिटी है, अगर 60 दिन में निर्धारण नहीं कर पाती है तो टाइम थोड़ा एक्सटेंड करेगी, लेकिन उसके लिए उसको एक कारण देना होगा कि इस वजह से टाइम बढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए रेरा में अभी देखिए अथॉरिटी का किसी भी राज्य में गठन नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा तो जो इसका आवेदनों का निस्तारण या डिस्पोजल है वो मुझे लगता है कि बहुत तेजी से होगा, बहुत तेजी से होगा। कितना टाइम फ्रेम वर्क आपने बताया? 60 दिन का, 60 दिनों के अंदर। बिल्कुल। और 60 दिनों में यदि नहीं होता है तो फिर क्या? तो कंपिटेंट अथॉरिटी वो लिखेगी, जो रेरा की अथॉरिटी है वो लिखेगी कि जी ये टाइम 10 दिन या 20 दिन बढ़ाया जा रहा है और क्यों बढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनपे भी एक नैतिक और एक कानूनी दबाव है कि आपने
एक्सटेंशन को जस्टिफाई करने का, तो उसके तहत निस्तारण बहुत तेजी से होगा। चलिए अगले दर्शक शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ है। शैलेंद्र सवाल करें आप। जी नमस्कार। जी जी मैंने लखनऊ में फ्लैट परचेज किया थे जी। तो मैंने दो फ्लैट लिए थ्री बीएचके के जी। तो उन्होंने क्वालिटी पहले कुछ दिखाई, बाद में कुछ भी फ्लैट के जो पानी निकालने का जो ढाल है वो अच्छा नहीं है जी। क्वालिटी बिल्कुल बहुत रफ लगाई, फिनिशिंग और बहुत खराब है, कोई शावर उनका काम नहीं कर रहा है जी। और जब उन्होंने दिखाया था कि मतलब ये सेवन फ्लोर पास है, पेंटा हाउस नहीं पास था, बोले टेरिस में गार्डन पास है, बाद में उन्होंने दोनों दो पेंटा हाउस ऊपर बना दिए जी, जिसकी मैं कई बार शिकायत कर चुका हूँ, कोई पूरा स्टाफ नहीं सुनता है, प्रोपराइटर मिलता नहीं है जी। एज इट इज बिल्कुल जितने भी फ्लैट है उसमें 65 फ्लैट है, 65 लोग सारे पर्सन सारे यूनिट वाले परेशान है। अक्सर मैं नहीं हूँ। बहुत समझ गया आपका सवाल, समझ गया वकील साहब, समझ गया। अक्सर ऐसा होता है बिल्डर से जब आप मिलने जाए बहुत अच्छे से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, जो काम खत्म हो गया फिर मिलते भी नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखिए जैसे आपने बताया कि 65 फ्लैट हैं और 65 लोग उसमें रह रहे हैं, इसका मतलब कि आप रेरा से बाहर हो गए, 100% पोजीशन दिया जा चुका है। तो इसके लिए आप सिविल कोर्ट में एक केस फाइल कर सकते हैं, और वो सिविल और क्रिमिनल भी केस बनता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने एक चीटिंग की है आपके साथ, कि आपको दिखाया कुछ और है और बेचा कुछ और है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो कंज्यूमर कोर्ट्स में भी जा सकते हैं, लेकिन रेरा के अंतर्गत अब नहीं आएगा क्योंकि आप पोजीशन ले चुके हैं और रह रहे हैं उसमें। हाँ बिल्कुल, रेरा में कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं, ऐसा ना समझें जो भी दर्शक देख रहे हैं या तमाम लोग, रेरा को समझें पहले कि रेरा के अंतर्गत आपके केस आते हैं या नहीं आते हैं। रेरा के अंतर्गत क्यों आपके केस क्यों आएंगे, इसके तमाम तरह के प्रोविजन्स रखे गए हैं, तो थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। और अगर सरासर चीटिंग का मामला है तो पहले कोर्ट की जगह, रेरा की जगह सीधे आप थाने जाइए, थाने में शिकायत दर्ज कराइए। कंप्लेंट कर सकते हैं। कई जो दर्शक इस वक्त हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने सवाल पूछें, लेकिन एक सवाल जो मेरी तरफ से वकील साहब से रहेगा कि सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है अगर कोई फ्लैट को खरीदना चाहे। एक दर्शक पहले उनसे बात करने, क्योंकि दर्शकों से बातचीत करना। बिल्कुल बिल्कुल, उनके सवाल। पवन इस वक्त हमारे साथ हैं। पवन पूछे सवाल आप। पवन जी हेलो। जी जी पूछें, सवाल पूछें। हेलो पवन जी, सुन पा रहे हैं आपको? हाँ सर, मैं हाँ सर, ऐसा है, मैंने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ना अमरपाली ड्रीम वैली के प्रोजेक्ट में मैंने एक फ्लैट बुक करवाया हुआ है जी। तो उसमें मेरा करीब करीब 20 लाख के करीब करीब चला गया है जी। तो वो मैंने 2012 में बुक करवाया था जी, और मेरे को लग नहीं रहा अभी वो काम बीच में बंद है। तो मैं ये क्या मान लूं कि मेरा 20 लाख रुपया चला गया, डूब गया? नहीं नहीं जी, उसका चांस है मेरे को मिलने का? नहीं नहीं जी, देखिए तो मतलब जो नहीं, ये क्या है ना, मेरी जो बैंक की ईएमआई तो जा रही है, तो मेरे लिए तो बड़ी मुसीबत हो गई है सर। इसका कोई समाधान है? मान लो अगर बिल्डर भाग जाता है या कहीं मान लो नहीं दे पाता है, तो कुछ समाधान इसमें गवर्नमेंट जो नोएडा अथॉरिटी है कुछ इन्वॉल्व है, वो मेरा सलूशन कर सकती है नहीं कर सकती है? क्या लग रहा है? नहीं देखिए, जब आपका सवाल है उसके तहत आप रेरा के तहत आपकी सारी समस्याओं का समाधान है, और आपने कहा कि मेरा 20 लाख डूब गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपका वो 20 लाख बिल्कुल सुरक्षित है। और जब बिल्डर पोजीशन देगा, अगर आप रेरा अथॉरिटी गठन होने के बाद उसमें आप आवेदन देते हैं, तो जो डिले पेनाल्टी है, जो आपका कंपनसेशन है, जो आप किराए पे पैसा खर्च कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, तो आपका 20 लाख रुपए बिल्कुल सुरक्षित है। तो घबराए ना, ऐसा ना सोचे, रेरा आ चुका है, तो रेरा में अगर आपकी समस्याओं का समाधान है तो सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा। इस दावे जो केंद्र सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, फिलहाल तो इस पर भरोसा जरूर करें। अगले दर्शक का इस वक्त है पश्चिम बंगाल से, प्रदीप हमारे साथ है, पूछे सवाल प्रदीप। नमस्कार जी सर, मेरा सवाल है कि मैंने एक प्रोजेक्ट में सोनीपत में एक इन्वेस्टमेंट किया था, टेस्टॉन प्रोजेक्ट करके है, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद 2008 में अभी तक मेरे को उसका ना तो पेंशन मिला है और मैं उसका इंस्टॉलमेंट भी रेगुलर दे रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट कब किया था तो आपने? मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि उसके लिए क्या करना चाहिए। फाइनल नहीं प्रदीप जी, प्रोजेक्ट की स्थिति क्या है इस समय? नहीं नहीं, प्रोजेक्ट अभी रुका हुआ है। 11-12 नहीं, प्रोजेक्ट आपका अभी रुका हुआ है वो, या उसमें कुछ पोजीशन दे दिया है उन्होंने, ऐसा क्या स्थिति है, या किसी को पोजीशन नहीं मिला है अभी? आई थिंक बहुत पुख्ता तौर पे नहीं जानकारी नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप दोनों
दोनों एस्पेक्ट्स को समझा दीजिए कि अगर अगर रेरा के तहत आता है तो क्या करें और नहीं आता है तो क्या करना है। देखिए हरियाणा में रेरा नोटिफाई हो गया है, रूल्स बन गए हैं और बहुत जल्दी ही अथॉरिटी का गठन हो गया है। रेरा में एक बड़ी खास बात मैं बता दूं कि एक जो एक्ट में केंद्र सरकार का एक्ट है उसमें प्रावधान है कि हर अथॉरिटी को अपनी एक वेबसाइट बनानी होगी और वेबसाइट साल भर के अंदर गठन होगा। वेबसाइट बनने के बाद आप ऑनलाइन भी आवेदन अपना दे सकते हैं, तो आप जब अथॉरिटी का गठन हो जाएगा आप ऑनलाइन आवेदन करिए और उसके लिए उसका निस्तारण होगा। चलिए वकील साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया, तमाम ऐसे दर्शक जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कानूनी हेल्पलाइन में आप जान रहे थे रेरा के बारे में, लेकिन एक सुझाव और भी है, वकील साहब भी शायद ही कहेंगे कि रेरा को थोड़ा और समझिए और पढ़िए और आपको लगता है कि हमारा केस रेरा के तहत आता है तो रेरा में आप जरूर जाइए, आपके हित का यहाँ पर पूरा ख्याल रखा जाएगा। नमस्कार।